आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है क्लास टेंथ की जो मैथ हमारी सीरीज चल रही है वो लगातार चलती रहेगी, और आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। अगर जो है हमारा सारा वीडियो जो है 50-55 के आसपास बच्चे देखते हैं तो मैं क्लास टेंथ की मैथ पूरी सॉल्व करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और कहीं भी कोई क्वेश्चन आपको ये नहीं रहेगा कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आया है। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन फिर से आपको समझाऊंगा। तो चलिए हम अपने उसी क्रम में आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है, कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। तो देखिए हमको क्या कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब कि यसयन हमको 636 प्राप्त करना है और श्रेणी जो दी गई है 9, 17, 25, तो हमको ये याद करना है कि यद का मान हम क्या रखें कि हमको 636 मिल जाए। तो सबसे पहले तो ये देखिए आप कि आपको प्रथम पद कितना दिया गया है। प्रथम पद दिया गया है 9 और डी का मान दिया गया है 17-9, यानी कि 9, 8, 17। कल मैंने बताया था, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप पुराना वीडियो जरूर देखें, Part 1, Part 2, Part 3 जरूर देखें। तो देखिए क्या है कि यस यन बराबर होता है हमारा यन बटे दो और 2a + n-1 × d। तो यस यन बराबर है 636 बराबर यन का मान निकालना है, इसको ऐसे उतार लीजिए, 2 × a का मान है 9 और प्लस यन का मान निकालना है और इंटू डी का मान है 8। ये हो जाएगा 2 से गुणा कर दीजिए, 2×6 = 12 की 1, 2, 3, 6, 7 और 2×6 = 1272 बराबर यन ब्रेकेट के अंदर 2×9 = 18 प्लस 8×9 = 8 यन माइनस 8×9 = 8। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1272 बराबर यन अंदर शामिल कर देंगे तो 18 - 8 करेंगे तो 10 बचेगा, यानी कि 10 यन और प्लस 8×9 = 8 यन स्क्वायर। या फिर इसको लिख सकते हैं 8 यन स्क्वायर प्लस 10 यन और ये प्लस 1272 इधर आएगा तो -1272 = 0। अब ये तो हमको एक खंड मिल गया। अब देखिए इसको अगर हम काटें तो 2×4 = 8 4 यन स्क्वायर प्लस 2×5 = 10 5 यन माइनस 2×6 = 12 2×3 = 6 और 1×7 = 2×12 यानी कि 636। अब देखिए इसी का हमको गुणनखंड करना है तो 636 इंटू 4 करेंगे पहले, तो 4×6 = 24 के 4 हंसी लगे 2, 4×3 = 12 2×14 = 4 हंसी लगे 1, 4×6 = 24 = 25। इसका मतलब 2544 का दो खंड करिए कि गुणा करने पर 2544 आए और घटाने पर 5 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए इसके लिए हम जो है आप लोग जो है इसको कर लीजिएगा 53×12 48 करेंगे तो 2544 मिल जाएगा और 53 में से 48 घटाएंगे तो हमको 5 मिल जाएगा, यानी कि 4 यन स्क्वायर प्लस 53 यन माइनस 48 यन माइनस 636 बराबर 0। तो इसमें कामन ले लेंगे, इसमें कामन लेंगे, तो यहाँ पे जब कामन लेंगे तो यहाँ पे यन कामन लेंगे और 4 यन प्लस 53 बचेगा माइनस इसमें जो है इसमें क्या काम लेंगे 12 अगर हम काम लेंगे तो 12×6 = 48 यानी 4 या और प्लस 53 = 0। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ब्रैकेट में 4 यन प्लस 53 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हमारा यन माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0। तो यन बराबर माइनस 53/4 / यन बराबर 12। तो चूंकि हमको पता है कि यन का मान हमारा बटे में नहीं हो सकता तो इसलिए यन बराबर 12 यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमको यसयन दिया गया है, ए दिया गया है और डी दिया गया है, अगर ये कह दिया जाए कि हमको ये बताइए कि पदों की संख्या कितनी है तो हम कैसे निकालेंगे, इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, कहीं समस्या हो तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा है, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5
अंतिम पद 45 और योग 400 है, मतलब प्रथम पद 5 है, ठीक। अंतिम पद 45 है यानी कि यल बराबर 45 और योग जो है वो 400 है यानी कि यस यन बराबर कितना दिए हैं 400 दिए हैं। तो कह रहा है कि पदों की संख्या और सार्वांतर ज्ञात कीजिए, यन बराबर वाट और डी बराबर वाट। तो देखिए कुछ नहीं, सब कुछ हमको दिया गया है। सबसे पहले हम यस यन बराबर यन बटे दो ए और प्लस यन लगा देंगे। अगर हमको अंतिम पद दिया गया है और प्रथम पद दिया गया है तो हम यही फार्मूला लगा देंगे, यस यन है हमारा 400 बराबर यन बटे दो और ए का मान है 5 और प्लस यल यल का मान है 45 या फिर 400 बराबर यन बटे दो और 45 और 5 50। तो 4 गुना 800 बराबर यन गुणे 50, तो ये 50 इधर आएगा तो 800 बटे 50 बराबर आ जाएगा यन, 0 से 0 कट जाएगा, 5 के लंब 5 3 8 5 6 30 यानी कि यन बराबर आ गया हमारा कितना 16। यन का मान आ गया 16, ए का मान है 5, यल का मान है 45, तो डी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको एक फार्मूला पता है यल बराबर ए प्लस यल माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान पता है, ए का मान पता है, यल का मान पता है, तीनों मान इसमें रख के डी का मान हम निकाल लेंगे। ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग करके कमेंट में बताइएगा कि इसका कितना होगा। आगे चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छह क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद 17, अंतिम पद 350 और सार्वांतर दिया गया कितना, सार्वांतर 9 है। तो इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो इस श्रेणी में कितने पद हैं और इनका योग क्या है, यही चीज है। तो चलिए ए का मान दिए हैं, यल का मान दिए हैं, डी का मान दिए हैं, तो चलिए हम सबसे पहले यल के मान से, ए के मान से, डी के मान से पहले हम यल का मान निकालते हैं। तो चूंकि पता है यल बराबर ए प्लस यल माइनस 1 इंटू डी, तो यल कितना है 350 बराबर ए कितना है 17 प्लस यल निकालना है और इंटू डी कितना है 9। तो यहां से जब इसको इधर लेके आएंगे तो 350 ये प्लस 17 इधर आएगा माइनस 17 बराबर यल माइनस 1 इंटू 9। तो 350 में से जब हम 17 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 333, ठीक बराबर यन माइनस 1 इंटू 9 को जब इधर लेके आएंगे तो देखिए 9 त्रिक 27 9 63 अर्थात 9 से कट जाएगा, यन माइनस 1 बराबर आ गए 37, तो यन बराबर 37 प्लस 1 यानी कि 38, यन का मान आ गया 38। और हमको फार्मूला पता है यस यन बराबर यन बटे 2 ए प्लस यन, तो यस यन बराबर यन, यन का मान है 38, ठीक, यन की जहां पर 38 हो गया, बटे 2 है बटे 2, ए प्रथम पद कितना है 17 और प्लस यल कितना है 350 या फिर ये हो जाएगा 2 इकन्नम 2 दो नवा 18 19 और बुढ़े इसको जोड़ देंगे तो 367, ठीक, इसको बुरा कर देंगे जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। कहीं समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उसको बताएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सात क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सात लिखा है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। 22वां पद यानी कि t 22 आपको दिए हैं 149, ठीक, और d बराबर 7 दिया गया है, d बराबर 7 दिया गया है। तो कह रहा है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 22 पदों का योग ना, हाँ 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो यस यन बराबर वाट यानी कि यस 22 बराबर वाट।
तो देखिए हमको 22वां पद दिए हैं और टोटल 22 पद है श्रेणी में, इसका मतलब ये 22वां पद ना होगा कि क्या है, ये हमारा अंतिम पद है। तो अंतिम पद इतना है या डी बराबर इतना है या बराबर इतना है। अगर हमको ए का मान पता होता तो हम डायरेक्ट, चूंकि हमको पता है कि यस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एन, हमको सारा मान दिए थे केवल ए का मान नहीं दिए हैं। तो सबसे पहले ए का मान निकालेंगे एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। तो एल का मान है 149 बराबर ए, ए का मान निकालना है और प्लस एन, एन का मान कितना है 22 माइनस ए इंटू डी, डी का मान कितना है 7। 149 बराबर ए प्लस 21 इंटू 7, तो यह 149 बराबर ए प्लस 7 इकन्नम 7 और 7 दुना 14, 147। तो यहां से ए बराबर निकालेंगे तो 149 माइनस 147, तो ए बराबर आ जाएगा हमारा 2। ए का मान 2 आ गया, यह का मान 149 है और यह का मान 22 है, तो 22 बटे 2 और 2 प्लस 149 बराबर 2 इंटू 11 करेंगे 22 आ जाएगा, यानी कि 11 गुणे 149 और 2 तो 151। 11 के अंदर 11 के एक हंस लगेंगे, 11 पच्चीस 55 और एक 56 के 6 हंस लगेंगे 5 और 11 के अंदर 11 5 1661, यही आ जाएगा हमारा क्या, यही आ जाएगा आंसर। ठीक, कहीं अगर समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, वीडियो बैक करके एक बार फिर से देखिएगा। अगर आप वीडियो नंबर 1 देखे हैं पूरा सही से तो कहीं भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक, तो ये चीज था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। यानी कि दूसरे पद 14 है, तीसरे पद 18 है। क्या कह रहा है कि 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यन बराबर 51 है और यस यन हमको निकालना है। तो चलिए हम T2 14 दिए हैं और T3 18 दिए हैं, तो सबसे पहले D निकाल लीजिए। D बराबर T3 माइनस T2 यानी कि 18 माइनस 14 यानी कि 4। D का मान अगर 4 आ गया तो A का मान हम कैसे निकालेंगे, T2 में से अगर हम D घटा दें तो हमको पहला पद मिल जाएगा। भाई दूसरे पद में अगर D का मान निकाल दें तो पहला पद मिल जाएगा। तो T2 कितना है 14 और माइनस D1 यानी 4 यानी कि 10। ए का मान आ गया 10, ए का मान आ गया 10, डी का मान आ गया 4, ठीक, और यन का मान दिए हैं 51, यस यन निकालना है, तो यस यन बराबर यन बटे 2, 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला है। जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यन यानी कि 51 बटे 2, 2 इंटू ए, ए का मान है 10, प्लस यन यानी कि 51 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 4। तो 51 बटे 2 गुणे 2 दहम 20 प्लस 50 और इंटू 4 5 चौक 20 200। तो यह फिर ये हो जाएगा 51 बटे 2 गुणे 220, तो 2 इकन्नम 2 ये आ जाएगा 111। तो 11 इकन्नम 11 के एक हंसे लगे 1, 11 पच्चीस 55 1 56, यानी कि 5160 आ जाएगा हमारा आंसर। कहीं समस्या हो तो बताइएगा, सारा नियम वही पुराना नियम है, इसको आप खुद भी लगा सकते हैं। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि यस 7 बराबर 49 कामा, आगे देखिए, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी कि यस 17 बराबर 289। फिर आगे इनके प्रथम यन पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो यस यन बराबर 8। ठीक, प्रथम यन पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो चलिए यस 7, तो यस 7 का अगर हम फार्मूला रखें तो क्या हो जाएगा बताइए, 7/2 वही फार्मूला रखेंगे, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला रखेंगे। तो 7/2 2a प्लस
सात माइनस एक इंटू टी ये बराबर दिया गया है कितने के 49 तो या फिर 2a प्लस 6d बराबर 49 इंटू 2/7 तो 7 सत्ता 49 यानी 7 दूनी 14 2a प्लस 6d बराबर 14 के a प्लस 3d बराबर 7 समीकरण ए। अगर हम इसको हल करें तो क्या हो जाएगा हमारा 17/2 ब्रेकेट के अंदर 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी ये बराबर दिया गया है 289 तो 17/2 तो 17 हमें 289 तो 2a प्लस 16d बराबर 17 इंटू 2 तो 2 कामन अगर हम ले लें तो यह हो जाएगा a प्लस 2/16 8d बराबर 17। समीकरण एक समीकरण दो समीकरण एक में से अगर हम 2 घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा बताइए तो माइनस 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 ये कट जाएगा हमारा 5 3 8 5d बराबर माइनस 10 के तो d बराबर आ जाएगा 2 के d का मान 2 मिल गया। समीकरण एक में चाहे रख दें चाहे 2 में तो समीकरण एक में अगर हम रखें तो 1 प्लस 8 इंटू 2 बराबर 17 के तो a प्लस 8 दूनी 16 बराबर 17 के तो a बराबर a का मान 1 आ गया d का मान 2 आ गया यस n निकालना है ठीक तो यस n बराबर क्या हो जाएगा n बटे 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू d तो चलिए n बटे 2 a यानी कि 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 2। इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं आगे तो ये हो जाएगा हमारा इसके बाद n बटे 2 1 प्लस 2 से इसमें गुणा करेंगे 2n और माइनस 2 करना 2 या फिर n बटे 2 ये आ जाएगा 2n माइनस 1 ठीक यही आ जाएगा हमारा क्या यही आ जाएगा आंसर। कहीं अगर समस्या हो तो बताइएगा ठीक ये चीज है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। कहीं समस्या हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ठीक मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।